Word problems on perimeter of rectangles. इस वीडियो में हम rectangles के perimeter से related word problems को solve करेंगे। Perimeter किसे कहते हैं? किसी भी शेप के अराउंड जितना डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं पेरीमीटर। जैसे अगर इस रेक्टेंगल को देखा जाए तो इसकी ये जितनी बाउंड्री की लेंथ है ये है इसका पेरीमीटर। तो इसकी बाउंड्री पे अगर हम एक पॉइंट से यहाँ से चलना शुरू करें और सारी बाउंड्री की लेंथ को कवर करते हुए वापस इस पॉइंट तक आ जाएं तो जितना ये हमने डिस्टेंस कवर किया है, जितना फासला तय किया है, ये इसका पेरीमीटर है। तो रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। तो हमें एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है जिस रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ यानी उसकी चौड़ाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। यानी अगर इस तरह की रेक्टेंगल हो तो उसकी लेंथ यानी ये जो लंबी वाली साइड है इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर्स और ये जो उसकी चौड़ाई है ये है 6 सेंटीमीटर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे L यानी लेंथ 9 सेंटीमीटर और B यानी ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका क्या फार्मूला होता है पेरीमीटर को फाइंड करने का? 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा L प्लस B यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर L यानी लेंथ की जगह पर आएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर प्लस B यानी ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमने पेरीमीटर फाइंड करने के फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो 2 को एज इट इज़ रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर 9 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर को जो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर्स। अब इसके बाद हमने ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 15 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 15s are 30 मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा होता है तो वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। 2 15s are 30 और साथ आ जाएगा सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर। ऐसी रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर हो और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर हो उसका पेरीमीटर यानी उसकी ये जो टोटल बाउंड्री है इसकी लेंथ को हम कहते हैं पेरीमीटर। तो ये है 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम पेरीमीटर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। अली हैड अ शीट ऑफ पेपर दैट वाज 7 inches लॉन्ग एंड 3.7 inches वाइड। What is the perimeter of paper? इस प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कि अली के पास एक पेपर की शीट है जिसकी लेंथ है 7 inches और इसकी विड्थ यानी चौड़ाई है 3.7 इंचेस। विड्थ या ब्रेथ एक ही चीज़ होती है। तो हमने देखना है कि इस पेपर का पेरीमीटर क्या है। यानी इस तरह की एक पेपर की शीट है जिसकी ये जो लेंथ है, लंबाई है, ये है 7 इंचेस। इंचेस को शॉर्ट फॉर्म में IN लिखते हैं और इसकी ये जो विड्थ यानी चौड़ाई है ये है 3.7 इंचेस। तो हमने क्या करना है? इस पेपर का, इस शीट का पेरीमीटर यानी इसकी जो बाउंड्री की टोटल लेंथ है हमने ये फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ L इक्वल्स टू 7 इंचेस, विड्थ या ब्रेथ ये एक ही चीज़ होती है, इसको हम लिखेंगे 3.7 इंचेस। हमने क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 2 और ब्रैकेट के अंदर होता है लेंथ प्लस ब्रेथ या लेंथ प्लस विड्थ। ब्रेथ और विड्थ एक ही चीज़ होते हैं। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा लेंथ की जगह पर 7 इंचेस और विड्थ है 3.7 इंचेस। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर मौजूद चीज़ों को सॉल्व करेंगे। 7 इंचेस प्लस 3.7 इंचेस यह आ जाएगा 10.7 इंचेस। और उसके बाद हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर। तो 2 को जब हम 10.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 7s are 14, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पर लगेगा। 2 0s are 0 plus 1 1, 2 1s are 2, तो ये आ गया 21.4 इंचेस। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 21.4 इंचेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पेपर इज 21.4 इंचेस, क्योंकि ये जो पेपर था ये भी रेक्टेंगल की शेप का था। तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ किया। तो यहाँ से हमें इस पेपर का, इस शीट का पेरीमीटर मिल गया जो कि है 21.4 इंचेस। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। सारा बॉट सम रैपिंग पेपर फॉर अ गिफ्ट दैट वाज 8 फीट लॉन्ग एंड 7.2 फीट वाइड, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ रैपिंग पेपर। यानी इस तरह का एक रैपिंग पेपर है जिससे गिफ्ट पैक करते हैं और इसकी हमें लेंथ दी गई है 8 फीट, यानी इसकी जो लंबाई है वो 8 फीट है और जो उसकी चौड़ाई है वो है 7.2 फीट। हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी इसकी ये जो बाउंड्री है ये टोटल कितनी लेंथ बनती है हमने ये देखना है। हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ इक्वल्स टू 8 फीट और ब्रेथ या विड्थ तो ये कितनी है 7.2 फीट। हम यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट हैं तो ये एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पेपर भी लिख सकते हैं और रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पेपर इक्वल्स टू 2 into लेंथ प्लस विड्थ। अब यहाँ पर हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 2 लेंथ की जगह पे क्या आएगा 8 फीट और विड्थ की जगह पर आएगा 7.2 फीट। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट के अंदर है 8 फीट प्लस 7.2 फीट तो यह आ जाएगा 15.2 फीट। अब हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 15.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 2 2s are 4, पॉइंट अपनी जगह पर, 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 1s are 2 प्लस 1 3, तो यह आ जाएगा 30.4 फीट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पेपर इज 30.4 फीट। तो इस तरह से हम किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया।